मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पहला सूत्र बागवती जी जो कहते हैं वो हम सब जानते हैं। वो सूत्र ये है कि हमारा ये जो शरीर है ये तीन दोषों से बना है, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में तीन दोष है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में अगर समानता है, वात जितना होना चाहिए उतना है, पित्त जितना होना चाहिए उतना है, कफ जितना होना चाहिए उतना है, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती। लेकिन अगर वात, पित्त और कफ में असंतुलन आ गया तो बीमारी आ जाएगी। वात की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी जरूरी है, वात जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है। इन तीनों दोषों की जितनी जरूरत शरीर को है उतने अगर ये है तो व्यक्ति 100 साल, 200 साल, 300 साल या हो सकता है कभी हजारों साल स्वस्थ रहता है। हमारे देश में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है। अगर ये तीनों दोष समान है तो कोई बीमारी कभी आ नहीं सकती, दुनिया में कितनी भी विपरीत परिस्थिति में आ गया है। लेकिन अगर ये तीन दोषों में कुछ ऊंचा नीचा आ गया, कोई कम कोई ज्यादा हुआ, तो आपको बीमारियां आएंगी। ये पहला सूत्र बागवती जी की अष्टांग हृदय का पहला सूत्र है कि वात, पित्त और कफ तीनों दोष शरीर को बनाते हैं। अगर ये समान है तब तो आपका जीवन स्वस्थ है, इनमें असमानता आई तो आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। वात, पित्त अगर तीनों सब वात, पित्त, कफ तीनों समान है तो आयु को लंबा करते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, और इतना असमानता आ जाए तो किसी की भी जान ले लेते हैं। शरीर को वात चाहिए, वात माने वायु, पित्त आप समझते हैं, पित्त एक तरह का रसायन मान लीजिए जो हमारे पेट में मध्य भाग में पैदा होता है। मैं आपको बागवती जी के और एक दूसरे सूत्र को पहले सूत्र से मिला के बोल देता हूं। वात या वायु दोनों एक ही है, इनका उत्पन्न होने का स्थान है कमर से लेकर अंगूठे तक। वात या वायु ये उत्पन्न होते हैं, वायु या वात कमर से अंगूठे तक। पित्त का स्थान है कमर से लेकर हृदय तक, छाती तक, और कफ का स्थान है हृदय से लेकर मस्तिष्क के अंतिम हिस्से। कफ मस्तिष्क से हृदय तक, कफ हृदय से लेकर कमर, हिप जॉइंट्स जहां है वहां तक पित्त, और हिप जॉइंट से लेकर अंगूठे का आखिरी हिस्सा ये है वात। तो वायु का स्थान है अंगूठे से कमर तक, पित्त का स्थान है कमर से हृदय तक, और हृदय से ऊपर मस्तिष्क तक कफ का स्थान है। ये तीन दोष कहाँ कहाँ है, ये शरीर में तीन स्थान है। अभी ये तीन दोष जहां है वहां संतुलित है अब तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ी है। अगर वायु का स्थान ये कमर से लेकर अंगूठे तक है वहां तक है तो ठीक है, अगर ये ऊपर चढ़े तो तकलीफ है। इसीलिए पित्त का स्थान इसी तरह, पित्त का स्थान हृदय से लेकर हिमोग्लोबिन तक है वहां है तो ठीक है, ये आगे पीछे हो गया तो ये तकलीफ है। कफ का स्थान है हृदय से मस्तिष्क तक, जहां है वहीं रहे तो ठीक है, आगे पीछे होगा तो ये तकलीफ करेगा। तो इनका आगे पीछे होना तकलीफ का कारण बनता है, इनकी मात्रा में असमानता आना हमारी बीमारियों का कारण। तो बस हमें जीवन में एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमारा वायु वात, हमारा पित्त, हमारा कफ तीनों समान रहे, और जहां रहे वहीं रहे, ज्यादा उधर